अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग अल्लाह ताला के 99 नाम्स की जो है वो कैलीग्राफी करेंगे, लेकिन हम लोग उसको एज अ ट्री की फॉर्म में बनाएंगे। तो चले हम अपना स्टार्ट करते हैं काम। तो हमें इन सब चीज़ों की एक्चुअली ज़रूरत होगी, तो हम आराम आराम से देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे मैंने इस पेज के चारों साइड्स पर जो है वो लाइनिंग कर दी है, लाइक एक छोटा छोटा सा बॉर्डर बना दिया गया है ताकि मेरा एंडिंग पे वो काम ना जाए, मेरा बॉर्डर ना ख़राब हो। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो अपना ट्री बनाएंगे, जिसमें हम लोग नीचे से सबसे पहले उसकी उसकी जो रूट्स होती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हम लोगों ने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा जब वो करीब ला देती हूँ तो यू कैन इजीली सी। आप लोग देख रहे होंगे ये मैं लगा बना ली और ये मेरी दूसरी लाइन जा रही है। ये देखिए आप लोग, हम लोगों ने इसको मैंने क्या किया है, नीचे से जो हम लोगों ने इसको जो है वो मतलब विड्थ में रखा है और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है हम लोगों ने इसकी विड्थ जो है वो कम कर दी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसकी छोटी छोटी स्टेम्स बना के हम लोगों ने इसके नेम्स को करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने एक छोटी वाली लगाई है, जो छोटा वाला मैंने एक बना दिया स्टेम। अब हम लोगों ने यहाँ पर फूल बनाना है, तो हम लोग चाह रहे हैं मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल सेम उसका फूल रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंप्यूटर शीट ले ली है, मैं इस कंप्यूटर शीट से फूल बनाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने इस कंप्यूटर शीट को जब वो स्क्वायर की फॉर्म में काटा, अब हम लोग उसको फोल्ड करेंगे। वन टाइम फोल्ड, टू टाइम फोल्ड एंड देन इसका हम लोगों ने यहाँ से ट्राइंगल बनाना है। ये देखें ये जो चीज़ बंद है, हम लोगों ने इसकी तरफ इसको ऐसे लेके गए, ट्राइंगल बनाया, तो ट्राइंगल बना लिया। तो अब इसको हम लोग इस तरह कर देंगे, ये देख रहे हैं ये। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस तरह से करना है कि इसकी जो ये शेप है वो इस तरह से करके ऐसे ये बना लें। ये बनाने के बाद आप लोग किसी भी शेप में बना सकते हैं, लाइक अगर आपको पत्ती की शेप देनी है, गोल शेप देनी है, तो मैं इसको गोल शेप देना चाहती हूँ। तो गोल शेप देने के बाद आप इसको कट कर लें, सीजर से कट करते हैं। देखिए हमने कट किया तो हमारे पास इस तरह से आ गई, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल बन जाएंगे, हमें इतने सारे नहीं, मैक्सिमम 4-5 बहुत इनफ होंगे। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इस तरह से करके अब मैं इसने ये और अब मैं इसको कट करूँगी। तो मैं आपको दिखा दूँ हम लोगों ने कट किया, तो ये आप देख देखते मेरे पास एक शेप आ गई है। इतना फूल इनफ होगा, कॉज हम लोगों को यहाँ पर 99 बनाने हैं। तो यहाँ पे 99 के लिए आप थोड़ा छोटा साइज ही रखें ताकि आपके पूरे 99 आ जाए, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड भी ना लगें। तो आप इस शेप देख सकते हैं, ये सर्कल के साथ साथ इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल हार्ट शेप। अगर आप एक सिंगल को करके देखें तो इट्स अ हार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल सेम साइज़ के मैं चाहती हूँ बने, तो अब मैं इस फूल को रख के इस फूल को ट्रेस करूँगी। तो क्या होगा, मैं जितने बनाऊँगी मैं इस फूल से ही बनाऊँगी, ताकि मेरे पास जो जितने भी आएंगे वो सारे सेम साइज़ के आएंगे। अच्छा, हम देख यहाँ पर इसको रख के ट्रेस करती हूँ, देन आई शो यू। एक्चुअली ये आज मैं इंस्टा पर बैठ के इंस्टा पर थी तो वीडियो देख रही थी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बच्ची थी, वो उसने फैमिली ट्री बनाया था। एक्चुअली ये नाम करने का मैंने 2 महीने पहले से सोचा हुआ था, लेकिन मैं चाहती कि थोड़ा यूनिक और न्यू क्रिएशन था कुछ हो। तो मैंने बहुत देखा था लेकिन मुझे कुछ आइडिया आ नहीं रहा था, एक दो आइडिया आए थे लेकिन वो इतने यूनिक नहीं थे, लेकिन मैं बस उस पर काम करना नहीं चाह रही थी। तो फिर मैंने बहुत देखा, तो आज जब मैंने जब देखा कि एक बच्ची रिसेंटली बना रही थी फैमिली ट्री, तो उस फैमिली के ट्री को देख के मुझे आया कि मैं क्यों ना ट्री में अल्लाह ताला के 99 नेम्स लिख के, मे बी इट्स नॉट मेड यूनिक, लेकिन एक अलग सा आइडिया होगा जो मैंने जितना मैंने अब तक काम किया जिस तरह से किया, तो उसके हिसाब से एक नई चीज़ है, मेरे लिए एक न्यू क्रिएशन थी, और उसको मैं थोड़ा और अपने अंदाज में जब और न्यू इसके अंदर जो मैं एडिशन करती रहूँगी। तो
तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये एक फूल बना लिया है और एक चार्ट के साथ। अब मुझे इस तरह से 99 करने हैं, तो मैं यहाँ पे पूरा जो है वो 99 जो है वो कंप्लीट कर दूँगी। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी, ये देखें ये हम लोगों ने जो बनाया है अभी तक ये बना है। मुझे इस तरह से जो है वो 99 जो है वो फिल करने हैं। सो आप लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने एक कर लिया, ये पूरी एक शाख यहाँ से निकाली। एंड आई एम जस्ट टेलिंग, ये दिस इज़ अ बॉर्डर जो मैंने पेंसिल से बॉर्डर दिया है। अभी मैं सोचूंगी कि मुझे यहाँ पे कलर करना है क्या करना है। तो अभी तक ये है, अब हम लोगों ने यहाँ पे पूरे इसको जो है वो 99 से फिल अप करना है। तो ये हमारे पास जो है वो बन चुका है, हमारा ड्रॉ हो गया है। ये ऑलमोस्ट है वो हमारे पास 70 बने हैं। वैसे तो 99 नेम्स होते हैं, लेकिन हमारे पेपर पे जो है वो 70 ऑलमोस्ट जो है वो पूरे आए हैं। यहाँ पर अगर हम साइज़ छोटा रख के करें तो पूरे आ सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम जितने के हम लोग बहुत ओवरलोड हो जाए तो बुरा लगेगा, तो अब हम लोग इस पर कलरिंग करेंगे। तो अब हम लोग इतना कलर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो ब्राउन कलर करेंगे। ये हम लोगों ने ब्राउन कलर जो है वो रेडी कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम अपना ब्राउन कलर जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले छोटा वाला ब्रश यूज़ करते हैं, बारीक पिन, जिसका बारीक सा जो है वो ब्रश है, ताकि क्योंकि हमारी आगे देखें आप बहुत बारीक है। और पेंटिंग करते हुए एक इस बात का बहुत ख़ास ध्यान रखा करें कि आप अगर हम पेन से काम करें तो बहुत तेज़ कर सकते हैं, मतलब थोड़ा स्पीड में कर लें, लेकिन पेंटिंग करते हुए बहुत आराम से अपना हाथ जो है वो चलाएं, क्योंकि अगर हल्का सा भी आपका जो पेंटिंग कलर है वो आगे पीछे लग जाए तो उसको सेट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जब आप छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर छोटा सा कोई सर्कल, या जैसे जहाँ पे मैं कर रही हूँ, जैसे बहुत बारीक सी जब स्टार्टिंग की चीज़ें, जैसे यहाँ पे खुला खुला इस पर आप ठीक है, लेकिन जैसे बारीक चीज़ें होती हैं इन पर जो है वो बहुत ही ध्यान से कलर करें, ताकि हमें कोई भी जो है वो मुश्किल पेश ना आए। और कोशिश किया करें कि कलर जो है हमेशा वो चूज़ करें जो आपके काम को उठाएं। कभी कभी बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स भी यूज़ करने से क्या होता है, आपका जो मेन काम होता है ना वो नज़र नहीं आता, आपकी मेन एफर्ट नहीं नज़र आती। तो हमेशा एक डार्क कलर के साथ दो तीन लाइट कलर लें। अगर सब डार्क कलर्स होंगे ना तो वो काम इतना उठेगा नहीं कभी भी। तो डार्क कलर के साथ हमेशा लाइट कलर्स का जो है वो इस्तेमाल करें। ये हम लोगों ने इतना कलर किया है, अभी थोड़ा सा कलर हम फूल पे भी करके दिखा देते हैं। जैसे कि फूल के लिए मैंने ये पिंक कलर थोड़ा लाइट सा है जो है वो मैंने ये चूज़ किया है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर नाम लिखेंगे अल्लाह ताला के, तो ये मैं आपको जो है वो करके दिखा देती हूँ। जो ऐसी जगह होती है ना, जैसे यहाँ पे देखें फूल का गोल, अंदरूनी जगह का मसला नहीं होता, ये मेन मसला होता है कॉर्नर्स का। अक्सर जो है वो क्या करते हैं लोग, कॉर्नर्स जो है ना वो ख़राब कर देते हैं, मतलब उनके कलर जो है वो यहाँ तो फैल जाएंगे या थोड़े बाहर निकल जाएंगे, फिर वो क्या करते हैं उनको एडजस्ट भी सही से भी कर भी नहीं पाते हैं, और अगर वो उनको सही करना चाहें ना तो उनसे हो भी नहीं पाता। तो किनारे के लिए सबसे बेस्ट ये कि अपना हाथ जो है वो थोड़ा हल्का हल्का चलाएँ। ये पेंटिंग है, कलरिंग नॉर्मल, इसमें कोई ऐसे आप तो एग्ज़ाम या पढ़ाई तो है ही नहीं ना कि हम जो है वो तेज़ तेज़ भागें या स्पीड करें, और पेंटिंग में स्पीड होती भी नहीं है। पेंटिंग तो आपका ये शौक होता है, बिजनेस होता है लोगों का, अपने शौक के साथ कोई मजाक नहीं, बहुत आराम से कलर करें, कोई जंग तो है ही नहीं ना कि भाई हमने जीतना ही जीतना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग, मैंने क्या किया, मैंने किनारे कलर्स कर लिए हैं, और किनारों के लिए ना हमेशा जो जैसे ब्रश देख सकते हैं मेरे ब्रश की जो है आगे से ब्रश कैसा है, किनारे के लिए हमेशा लाइट ब्रश यूज़ करें। अब जैसे मिड में इससे भी कर लूँ या, वरना मेरे पास मिड के लिए जैसे कि
ये ब्रश भी है, तो जो मिट गया जिसमें ज़्यादा काम है मतलब ज़्यादा जगह होती है उसको मैं इस तरह से कर सकती हूँ। देखें इससे क्या होगा, मेरा बड़े ब्रश से काम जल्दी हो जाएगा और क्योंकि किनारे हो चुके हैं तो किनारे ख़राब भी नहीं होंगे। इस तरह से देखें कि मेरा फूल जो है वो पूरा कलर हो चुका है। मैं और लोगों को दिखाती करूँ, ये देखें ये मेरा फूल और ये हम लोगों ने थोड़ी सी जगह है उसको हम लोगों ने कलर कर लिया है। तो ये देख सकते हैं हमारे पूरे फ्लावर्स और पत्ते हम लोगों ने बना लिए हैं, ऑलमोस्ट 70 ये हैं, 70 फ्लावर्स पे नाम आएगा। और क्योंकि नाम पूरे नहीं आते तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा उसको यूनिक कर दिया, और नीचे हम लोगों ने लीफ बना दिए और बाकी नाम हम लोग इसके ऊपर लिखेंगे तो हमारे पूरे 99 नाम जो हैं वो उसके ऊपर आ जाएंगे। तो अपने क्रिएचर में थोड़ी सी हम लोगों ने और क्रिएटिविटी डाली है, तो अब हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग अपना नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं देर हम लोग बाद में डालेंगे पहले ये, और इस वर्डिंग को भी जो हम लोग फिनिशिंग टच देंगे वो हम लोग लास्ट में देंगे जब हम लोग जो है वो सारे नाम लिख लेंगे, फिर इसको एंडिंग में हम लोग एक फिनिशिंग। हमारे पास अल्लाह और अल रहमान हम लोगों ने लिखा है, इस तरह हम बाकी सारे नाम भी लिखेंगे। तो ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पूरे 99 नाम जो हैं वो अल्लाह ताला के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब बस हम लोगों ने इसको अपना फिनिशिंग टच देना है, और फिनिशिंग टच के लिए जो है हम लोगों को अपने इसको बॉर्डरिंग करनी होगी, और इससे हम लोग जो है बॉर्डरिंग करेंगे और उसको अपना फाइनल लुक जो है वो दे देंगे। लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड कमेंट ऑन इट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्लिक द बेल आइकन एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम।